सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाईपैप मशीन के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों बाईपैप मशीन क्या है, बाईपैप मशीन कैसे काम करता है एंड पेशेंट को बाईपैप मशीन से कैसे रिलीफ मिलती है, ये सारी चीजें हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सके तो ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों बाईपैप का फुल फॉर्म है बायलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मशीन कब यूज होता है। दोस्तों ये मशीन भी स्लीप एपनिया डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। अब यहां पे ये मशीन भी मतलब दूसरा कौन सा मशीन, दोस्तों सीपैप मशीन भी स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो को आगे आप देखें, उससे पहले आप सीपैप वाले वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि सीपैप मशीन पेशेंट को कैसे रिलीफ देता है। तो आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं रेफरेंस में सीपैप मशीन को लूंगा। तो मैं आशा रखता हूं आपने वो वीडियो देखा हुआ है या आपको सीपैप मशीन का रफ आइडिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ये आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों सीपैप मशीन बेसिकली क्या करता है, मान लीजिए ये सीपैप मशीन है एंड ये पेशेंट है, तो मशीन से पेशेंट तक ट्यूबिंग एंड मास्क थ्रू एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बना हुआ रहता है। अब स्लीप एपनिया क्या है वो जानना है अगर आपको, तो वो भी आपको सीपैप वाले वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर से देखें। अब दोस्तों उसमें क्या होता है कि एयरवे ब्लॉक हो जाता है, पेशेंट रात को प्रॉपर ब्रेथ नहीं कर पाता है, इसलिए नींद से शायद जाग भी जाता है। तो दोस्तों उस केस में मशीन क्या करता है कि कंटिन्यूअसली मान लीजिए 10 बार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं उतना नहीं होता है, मान लीजिए 10 बार, तो कंटिन्यूअसली वो प्रेशर बना हुआ होगा मशीन से लेके पेशेंट तक। तो उससे होता क्या है कि जो एयरवे होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, पॉजिटिव प्रेशर ऑलवेज बना रहेगा ताकि वो जो एयरवे है वो ओपन रहेगा, वो पूरी रात ओपन रहेगा ताकि पेशेंट को अच्छे से नींद आ पाए, वो अपने डेली जो काम होते हैं वो प्रॉपरली कर पाए, क्योंकि ये डिजीज रात का है लेकिन उससे बहुत सारे छोटे छोटे और डिजीज भी एसोसिएटेड है। तो ये मशीन सीपैप जो है वो कुछ इस तरह से रिलीफ देता है। लेकिन यहाँ पे सीपैप मशीन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक समझाऊंगा क्योंकि जितने डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश बहुत ही जल्दी करने वाला हूं। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए मैंने जैसे आपको बताया कि कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है, मैंने आपको 10 बार का एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल आप ले लीजिए, मास्क लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा, होता क्या है आप ब्रेथ इन तो प्रेशर से कर लोगे, लंग्स को अच्छे से फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन जब आप ब्रेथ आउट करोगे तब वो प्रेशर होगा तो वो प्रॉपर ब्रेथ आउट नहीं होता है, आप प्रॉपर ब्रेथ आउट नहीं कर पाते हो। तो काफी सारे पेशेंट को ये दिक्कत आती है, सीपैप मशीन से उनको रिलीफ नहीं मिलता है। अब उस केस में डॉक्टर बाईपैप मशीन सजेस्ट करते हैं। सीपैप एंड बाईपैप मशीन के प्राइस में भी काफी सारा डिफरेंस है, बाईपैप मशीन कॉस्टली होता है, सीपैप मशीन इतना कॉस्टली नहीं होता है। तो काफी सारे पेशेंट को सीपैप से रिलीफ नहीं मिलता है तो उन्हें स्विच करना पड़ता है बाईपैप पर। तो अब आपने समझा कि बाईपैप मशीन का यूज कब होता है, जब सीपैप से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तब। अब बात करते हैं कि ये मशीन कैसे काम करता है एंड कैसे ये मशीन सीपैप के जो डिसएडवांटेजेस है उसको ओवरकम करता है, कैसे वो डिसएडवांटेज को रिमूव करता है। अब दोस्तों यहां पे उसका फुल फॉर्म है बायलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब यहां पे बाईपैप मशीन के अंदर वो फीचर होता है कि आप ब्रेथ सेट कर सकते हो कि पेशेंट को पर मिनट 30 ब्रेथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो मशीन क्या करता है, अगर आप नॉर्मल ब्रेथ ले रहे हो तो उसे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके दो ब्रेथ जो है उसके बीच में टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर ट्रिगर करता है ताकि लंग्स को प्रॉपर फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन मिल सके। अब यहां पे बाईपैप मशीन जो है उसके अंदर दो प्रेशर होते हैं, सीपैप मशीन के अंदर एक कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, हाँ उसे आप सेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन एक फिक्स प्रेशर रहेगा, 10 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 7, ऐसे फिक्स रहेगा। लेकिन यहां पे बाईपैप मशीन के अंदर दो प्रेशर होते हैं, आईपैप एंड ईपैप, इनहेलेशन प्रेशर, एक्सहेलेशन प्रेशर। अब जब पेशेंट खुद से ब्रेथ नहीं ले पा रहा है तब आईपैप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा,
ताकि लंग्स को प्रॉपर फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन मिल सके। एंड उसके बाद ईपैप जो है एक्सेलेरेशन प्रेशर वो बहुत बहुत कम हो जाएगा, ताकि जब पेशेंट ब्रीथ आउट कर रहा है तब वहां पे इतना ज्यादा पॉजिटिव एयर प्रेशर ना हो कि वो ब्रीथ आउट प्रॉपर ना हो सके। तो यहां पे दोस्तों कुछ इस तरह से बाइपैप मशीन काम करता है। अगर आप नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको लेने देगा। जैसे ही दो इंटरवल के बीच में गैप पड़ेगा, आईपैप बढ़ जाएगा ताकि आप प्रॉपरली ब्रीथ ले पाओ, लंग्स को प्रॉपर फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन मिल पाए। तो यहां पे जैसे कि आपने देखा सीपैप का जो डिसएडवांटेज था कि प्रॉपर ब्रीथ आउट नहीं हो रहा है वो हो रहा है, और भी काफी सारे जो डिसएडवांटेजेस है वो यहां पे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं उसके लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया बाइपैप मशीन क्या है, वो क्यों यूज होता है एंड वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों लेकिन ये जो मशीन है वो आप डॉक्टर से सजेशन लेके ही यूज कीजिए, क्योंकि मोस्टली पेशेंट को सीपैप से रिलीफ मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है तो ही डॉक्टर बाइपैप मशीन सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि बाइपैप मशीन क्या है, वो कब यूज होता है एंड कैसे काम करता है। तो शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो जल्दी ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।